दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने SBI अकाउंट में मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए, या आपके बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर पहले से लिंक था लेकिन वो मोबाइल नंबर अब खो चुका है, तो आप चाहते हैं नए मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप न्यू मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं ATM मशीन के थ्रू। तो गैस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल का सब्सक्राइब करके छोटा सा घंटे होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश और आप देख रहे हैं बिहार टेक्निकल को। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM मशीन के पास जाना है और ATM कार्ड को ATM मशीन में स्वैप करना है। जिससे आप ATM कार्ड को ATM मशीन में स्वैप करते हैं, तो ATM होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन, तो हमें इस पर क्लिक करना है। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ATM होम स्क्रीन पर अगला पेज कुछ इस तरह का आएगा, प्लीज़ इंटर योर पिन। तो हमें यहाँ पे अपना ATM पिन को इंटर करना है। चलिए हम यहाँ पे अपना ATM पिन को इंटर कर देते हैं। हम जैसे ही अपना ATM पिन को इंटर करते हैं तो ATM होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन, तो हमें इस पर क्लिक करना है। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ATM होम स्क्रीन पर अगला पेज कुछ इस तरह के आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन चेंज मोबाइल नंबर। तो हमें नए मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेशन करना है, इसलिए हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इंटर योर मोबाइल नंबर। तो हमें यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को इंटर करना है, जिस मोबाइल नंबर को हम बैंक अकाउंट से जोड़ना चाहते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर को इंटर करने के बाद कॉरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद ATM होम स्क्रीन पर अगला पेज कुछ इस तरह का आएगा, री इंटर योर मोबाइल नंबर। तो हमें उसी मोबाइल नंबर को फिर से री इंटर करना है और फिर कॉरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें कुछ समय तक वेट करना है, जब तक कि हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है। इसके बाद ATM होम स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा और हमारा मोबाइल नंबर जो है हमारे बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। तो गाइस, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।